रुख साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा, मेरा काफी हिस्सा वो पढ़ती नहीं है और मुझे आने का उन्होंने मौका दिया तो उनका एक खास तौर से शुक्रिया। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, विधायक जी बैठे हुए हैं उनकी मौजूदगी को सलाम, और चार मिसरे पढ़ता हूँ साहब के जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं। मैं सिवान में खड़ा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये जो मिसरे पढ़ रहा हूँ आप पहुंच जाएं तो मुझे बता दीजिएगा कि आप पहुंच गए। जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं। मुझे देखना है कि सिवान पहुंचता है उन मिसरों तक जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आते आते रास्ते में चार मिसरे में पढ़ता हूँ साहब के जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं। पटना दिल्ली में बैठे कुछ नकली लोग, तो पीछे देखे आपको कसम है कि जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं। पटना दिल्ली में बैठे कुछ नकली लोग, शेर की आजादी से कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, जो जो चाहेंगे इंशाल्लाह, जो जो आप सोचेंगे ना उस पर नज़्म सुनाऊंगा, ये वादा करता हूँ। बस ये जो जोश है आपका इसी तरह से बना रहे, बरकरार रहे। मैं बोलता हूँ साहब कि जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं, से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं। पटना दिल्ली में बैठे कुछ नकली लोग, शेर की आजादी से डरते रहते हैं, शेर की आजादी से डरते रहते हैं। चार मुसरा पढ़ता हूँ, इसके लिए खालिद भाई का बहुत धन्यवाद। मैं कोई नाम नहीं लूंगा, कोई इशारा नहीं करूंगा, लेकिन आप पहुंचेंगे मैं जानता हूँ। दायरे में सिमट के पीछे तक शिरकत हो आपकी, खालिद साहब का हुक्म है कि ये मिसरे जरूर पढ़े। मैं पढ़ता हूँ साहब के दायरे सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के। Okay.